100 करोड़ लगाकर 900 करोड़ कमाने का फॉर्मूला हर फिल्म डायरेक्टर के पास नहीं होता। बेहद कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा हुनर रखते हैं, और जिनमें से एक है संदीप वांगा रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में रणबीर कपूर के साथ एनिमल बनाकर बीते साल कमाई के मामले में खूब बौकाल काटा है। यही वजह है कि आज जितना संदीप रेड्डी वांगा कम बोलते हैं, उससे ज्यादा चर्चे मार्केट में उन्हें लेकर होते हैं। ऐसी ही एक गर्मा गर्म खबर बॉलीवुड गलियारे से निकलकर आई है कि जल्द ही बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म में काम कर सकते हैं। इसके लिए भाईजान को फिल्म की स्क्रिप्ट भी भेजी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक डार्क क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। इस फिल्म में सलमान खान का ऐसा रूप दिखेगा जो शायद ही पहले आपने कभी देखा होगा। हालांकि दोनों के साथ काम करने वाली खबर में कितनी सच्चाई है, इस बारे में अभी कोई पुख्ता तौर पर कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक हर ओर इसी खबर के चर्चे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसा होना नामुमकिन और मुश्किल भी लगता है। इसकी वजह है इन दोनों के बीच का एक पुराना विवाद। अब अपनी अपनी फिल्मों को लेकर ये दोनों भिड़ने वाले थे। कुछ दिनों से इन दोनों के ये पुराने किस्से भी काफी वायरल हो रहे हैं। दरअसल एक बार संदीप वांगा रेड्डी की एक हरकत से सलमान खान काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। ये सारा मामला एक फिल्म के टाइटल को चुराने से लेकर शुरू हुआ था, जो आगे चलकर इतना बढ़ा कि उनकी फिल्मों के बीच क्लैश भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये किस्सा है साल 2018-19 का, जब संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म कबीर सिंह आई थी। शाहिद कपूर के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, तो ऐसी खबरें आई कि संदीप अगली फिल्म बनाने जा रहे हैं, और वो भी रणबीर कपूर के साथ। उस वक्त इस फिल्म का नाम डेविल रखा गया था। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि फिल्म किक में सलमान खान के कैरेक्टर का नाम भी डेविल था। उस वक्त ये खबरें आने लगी थी कि सलमान की फिल्म किक के सीक्वल किक 2 का प्री प्रोडक्शन चल रहा है, और सलमान ने इस सीक्वल का नाम डेविल इज बैक डिसाइड किया हुआ है। वक्त आगे बढ़ता गया, दोनों तरफ से फिल्म बनने की खबरें आती रही, तो चर्चा ये उठी कि दोनों फिल्में एक ही साथ रिलीज होंगी। उस समय ऐसा सुनने को मिला था कि संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म के टाइटल से सलमान खान काफी नाराज है, लेकिन सलमान के बाकी प्रोजेक्ट के चलते किक 2 का काम आधे में ही लटक गया। उधर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का नाम डेविल से बदलकर एनिमल रख दिया, जिसे बीते साल बॉक्स ऑफिस पर भयंकर तबाही मचाई है। फिल्म ने दुनिया भर में 900 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि सलमान की फिल्म किक 2 बन भी रही है नहीं, इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं सामने आई है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि सालों पुरानी नाराजगी को भुलाकर सलमान खान संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म में काम कर सकते हैं। हालांकि इस सवाल पर फिलहाल बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिसका जवाब खुद सलमान खान और संदीप रेड्डी वांगा में से कोई दे सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, सलमान और संदीप वांगा रेड्डी की जोड़ी एक साथ देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ भारत।